दीक्षा के भाव आने के बाद बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इतना सब कुछ छोड़ के जा रही है तू, इतना खाने पीने का शौक था तुझे, इतना रेडी होने का शौक था, बाहर घूमने का शौक था, मूवी जाने का शौक था, लगभग सब कुछ तूने देखा हुआ है, सब कुछ तूने किया हुआ, तू कैसे छोड़ के जा रही है ये सब। इतने लोग तो गाना भी गाते हैं, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे आए कहीं और जाते हैं तो कितने लोग गाना गाते हैं, रूड़ा राज पहले त्यागी एक तो चाले रे वैरागी। बस ऐसी सब बातें सुनकर अच्छे भाव भी आते हैं, लेकिन सच में ये ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल सब लोगों को लगता है कि दीक्षार्थी साधु साधी कितना कुछ छोड़ गया है या फिर अभी कितना कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सच में एक भ्रम है ये, क्योंकि आई एक्सप्लेन यू। अभी आप ऐसे ही समझ लो, अभी मुंबई में कोई भी लोअर एरिया में आपका फ्लैट हो, आप उसको अपग्रेड करके वाल्केश्वर या फिर कोई भी आपका जो अच्छा एरिया है उसमें अगर आप शिफ्ट हो तो अब ऐसे बोलोगे कि मैं वो इतना गंदा फ्लैट छोड़ के आ गया, मुझे दुख हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो हम पाते हैं ना, जो अचीव करते हैं उसकी इतनी खुशी होती है कि जो पीछे छोड़ जाता है उसको पीछे मुड़ के भी हम नहीं देखते कभी। जॉब के लिए कभी किसी का प्रमोशन हो तो कोई ऐसे दिखते हैं कि मेरी 10,000 की सैलरी छूट गई, हम तो यही सोचना कि आगे 50,000 मिलने वाला है हमको, कोई भी वैसे ही सोचेगा। कहीं पर भी 3BHK का फ्लैट है, पता चले अच्छा अपार्टमेंट है, हाई फ्लोर है, सी व्यू है, 5BHK, कोई सोचेगा 3BHK छोड़ के आ रहा हूँ? नहीं ना। बस वैसे भी हमको भी कभी ऐसे नहीं लगता कि हमको छोड़ कर जा रहे हैं, 100% ऐसा नहीं है। एक छोटी स्टोरी याद आती है, उसमें क्या होता है ना, एक शावक एक संत के पास, साधु के पास वंदन करने आता है, तो बहुत भावों से वंदन करता है, तो साधु भाई से पूछते कि मुझे क्यों वंदन कर रहे हो, तो वो भाई बोलते साहिब इतने बड़े त्यागी हो इसलिए मैं आपको वंदन कर रहा हूँ, तो साहिब बोले रुक रुक तू बैठ जा, वो बैठ गया, साहिब खड़े हो गए, साहिब उसको वंदन करने लगे, तो साहिब वो शौक हो गया, वो क्या असब आप मुझे क्यों वंदन कर रहे हो, तो साहिब ने बोला मैं त्यागी तू मुझे वंदन कर रहे, तू तो महान त्यागी है इसलिए मैं तुझे वंदन कर रहा हूँ। समझ में आया? बस इतना ही सिंपल है, हमने भोगों को छोड़ा है, अपने सुख को छोड़ा है, हम तो रत्नत्रय की ओर जा रहे हैं, हमने रत्नत्रय को छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग त्यागी नहीं है, हम लोग भोगी है। आज मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा भोगी अगर कोई हो तो वो साधु और साधी है। जस्ट इमेजिन 100% जिसको हर टाइम डे एंड नाइट कभी जाके उपवास में देखो तो सही, अरे मलकते साधु और साधी कितने खुश रहते हैं। और अभी की लाइफ में ना सबको ऐसे लगते हैं विश्व गुरु साहब भी इंटरेस्टिंग, कुछ आपको हर की करें कुछ एडवेंचर करें, मेरी लाइफ भी वैसे ही था कि मेरे को नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, अभी हो गया सीएस हो गया वर्क करो, अभी कुछ और करना है मुझे, बोर हो रही हूँ, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। जब गौरव पूज्य फेमस साधु से हमारे से प्रवचन सुना, बस भाव आ गए, और तब सोचे क्या साधु साधी का लाइफ होता है, क्या उनका जीवन होता है, सही अब इट इज जस्ट अमेजिंग। फिर अगर नहीं ये एडवेंचर करने जैसा है, आपको लगता है आप हिल स्टेशन जाते हो, क्लाइंब करते हो, ऊपर से नीचे कूदते हो, अंडर वाटर जो भी करते हो, आपको लगता है वो एडवेंचर है, ट्रस्ट मी होगा, बाह्य दृष्टि से वो भी होगा, लेकिन अंदर का जो आनंद है ना, कोई चार शब्द सुना दे साधु साधी के मुख के ऊपर से हंसी अगर जाए ना तो मुझे आकर कहना वो एडवेंचर है, वो सच्ची बीतता है। अरे कुछ भी मिले ना, मेरे बारिश का समय हो, मैंने देखा है मेरे गुरु महाराज से साधी जी को, सूरत के डैम में बहुत बारिश थी, उनको गोचरी नॉर्मली गोचरी का समय 12 बजे का हो रहा है, बारिश कंटिन्यूसली आ रही है। साहिब जी की गोचरी उस दिन शाम को प्राइस 4:30 बजे आई, साहिब नीचे होते पैर बाहर रखा, बारिश शुरू हो गई, वापस पीछे आ गए, मैं साथ में थी, मैंने साहिब वापस बारिश आ गई, साहिब को कोई बात नहीं चलेगा, अपने घोड़े की भगवान की आज्ञा सराखों पर चलेगा, थोड़ी वेट कर लेते फिर गोचरी चले जाएंगे, ट्रस्ट में उनकी खुशी नहीं गई, मैं शौक हो गई कि कैसे ऐसे होता है। बट सच में लगा कि लाइफ में कुछ डेयरिंग करना है ना, कुछ एडवेंचर करना है, तो एक बार जस्ट ट्राई फॉर वंस, अब ले ना सको ना तो देख कर तो आओ, थोड़े दिन साधु साधु के साथ रह कर तो आओ, क्या आनंद होता है 24/7 अलग अलग समुदाय के, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग संस्कारों के, अलग अलग फैमिली से जब लोग मिलते, कोई
कुछ कोई कुछ कोई पढ़े लिखे, कोई नॉर्मल स्टडीज वाले, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बूढ़े, मतलब यहाँ पर तो 3 जनरेशन मुश्किल होती है घर में रहना। वहाँ पर इतनी जनरेशन साथ में रहती, अलग अलग तरह के लोग साथ में रहते, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग साथ में रहते, पर जो खुशी होती है ना, मुझे लगा बस लाइफ में ये ट्राई करने जैसा है। और उसके भी ऊपर अगर चलो संसार में रह जाती ना तो ठीक है, अच्छा खासा कोई लड़का मिल जाता, लेकिन यहाँ पर तो सोचो मुझे कौन मिला है आज, कोई कम नहीं मिला, ऊपर से अरिहंत परमात्मा की शरण मुझे मिली है। ही इज नॉलेज। आज देव भी झुकते हैं जैसे भगवान का श्रवण होता है, भगवान पैदा भी नहीं हुए, जैसे श्रवण आते माँ की कुक्षी में आते हैं, इंद्र आके उनको नमन करते हैं। तो आप सोचो कि क्या हो मेरे तीर्थंकर होंगे, क्या हमारे ऐसे परमात्मा होंगे, अरे उसके पीछे मैं क्यों शादी करूं, कौन मिला है आज मुझे। सच्ची कहती हूँ, आज संसार में रहकर इतने सारे लोग हुआ, आप चलते फिर भी मेरा सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो भगवान जो मंदिर में है हलते नहीं है, चलते नहीं है, बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। हर साधु साधी का सबसे ज्यादा ध्यान वो रखते हैं। तो मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। तो मतलब जस्ट अमेजिंग। सोचो ना वो कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी इतना आश्वासन है, इतना भरोसा है कि जा तू जा, देख लेगा तेरा भी संसार में ऐसे लड़का मिल जाता, अभी मुझे भगवान मिले। आप कहते हो कि मतलब इतना कष्ट होगा, सच में साइड पे बोले ना अभी कष्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं देखती हूँ मरीन ड्राइव में इतने मोटे मोटे लोग इतना वॉकिंग करते मॉर्निंग में, मुझे लगता है यार आप लोग जो इतना कष्ट ले रहे हो, लेकिन कोई साधु साधु बिहार में तो लोग बोलते इतना कष्ट क्यों ले रहे हो, आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप लोग डाइटिंग करते हो, जो वो डाइटिशियन बोले सब करोगे, लेकिन साधु साधु का एकाष्ट उपवास आते तो अपने मार से क्यों अच्छे दुख ले रहे हो मार से। देखो चीज वही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नजरिया अलग है। अगर हम तो कर रहे हैं ना, साधु साधु भी कर रहे ना, तो हमारी आत्मा आपकी नहीं करे, वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ मिल रहा है। आप लोग क्यों कर रहे हो, कभी खुद को पूछा तो सही, अच्छा लिखने के लिए गुरु कल जाने वाला है, आपको पता है हम लोग आगे से सब छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सब छूट गया है, आज नहीं तो कल सबको सफेद कपड़ा पहनना ही है, जबरदस्ती आपको पहना दिया जाएगा, हम लोग खुशी खुशी उसको पहन के जा रहे हो, उसमें भी जो आनंद होता है, मेरे वीर का देश ही जो आनंद होता है, क्या शक्ति मिलती होगी शायद उससे, खुशी खुशी पहन के जाते हैं। मरते समय भाइयों के बहनों के शरीर से हाथों से ऐसे ड्रेस निकाले जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हम लोग, इट्स अ फैक्ट, ये चीज है होती है, हम लोग विदाई समारोह की बात खुल लिया बस ऐसे छोड़ के जाते, नहीं चाहिए कोई खींचे, वो तो दूर की बात, हम खुद निकाल के जा रहे हैं। अरे मरने के बाद कोई आपको शायद घर पर भी ना रखे, 24 घंटा भी ना रखे, उस घर को हम लात मार के आगे से स्व इच्छा से जाते हैं, आप ही बोलो ना कौन छोड़ रहा है, बस हम नहीं छोड़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए ही जा रहे हैं। करण करामन अनुमोदन 3 प्रकार से भगवान ने समझाया है, कर ना सके, दीक्षा ले ना सके, मैं खुद कहती हूँ दीक्षा इज नॉट इजी, सब लोग नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन का खेल है, श्रद्धा का खेल है। करामन भले आप कर ना सको, आप करा तो सकते हो, वो भी नहीं कर सको तो जैसे आकर अनुमोदन तो कर ही सकते हो, दीक्षा हर कोई ले नहीं सकता, हर कोई ले नहीं सकता, लेकिन अनुमोदन 100% सब लोग कर सकते हैं, एंड पुण्य शायद उतना ही अपने भावों के ऊपर, इतना अच्छा रास्ता, हर एक चीज का सलूशन भगवान ने लिया है, समझो तो सही, विचारो तो सही, सब कुछ अवेलेबल है। मैंने जितनी भी पढ़ाई की ना, मुझे लगा मैंने बहुत किया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट जब मैंने उपास्य में कदम रखे और जो मुझे शास्त्र से ज्ञान मिला ना, मैं हिल गई, मुझे ऐसा लगा भगवान ने क्या नहीं बताया है, छोटी से छोटी बात, खाना कैसे, सोना कैसे, पीना से, ये जब पता है भगवान ने कि मैं शादी करूँ तो कैसे रेडी से करना, सोचो उतना तक भगवान ने बताया है, क्या मैट्रिमोनी में जाते हैं, मतलब हर एक चीज सब कुछ अवेलेबल, ऐसे उनका ज्ञान, तो उसको छोड़कर इतने छोटे से मैं क्यों सीमित रहूँ, जब मुझे पता है कि आई कैन डू इट, यही एक अपॉर्चुनिटी है। तो बस कभी रिक्शा में तो पूछता मत कि वो कुछ छोड़ के जा रहे हैं, उनको देख के ऐसे सोचता कि हम कब छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम जो छोड़ रहे हैं ना, तो छोड़ने जैसा ही है,
लेकिन आप जिसको आपके पास रख रहे हो वो शायद रखने जैसा नहीं है। भले ही रख रहे हो लेकिन ज्ञान से तो भी क्लियर कि ये मेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। बस आप सब लोगों के बहुत 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 आशीर्वाद चाहिए। इस तारीख में बोल बस सीही की तरह दीक्षा लूँ और सीही की तरह दीक्षा पालूँ। चारित्र धर्म निवंदना, श्रमण धर्म निवंदना, संयम धर्म निवंदना।